हाँ ऋषि के साथ में है प्रश्न रिजर्व करा महाराज जी। महाराज जी एक भाई ने अभी पूछा कि कभी कभी हमें ख्याल आता है कि वैराग के बाद भक्ति होती है, कभी ऐसा मनोपड़ता है भक्ति के बाद वैराग, तो भक्ति सच्ची पाने के लिए मुझे क्या करना चाहिए वो पूछ रहे हैं। देखो भक्ति माने होता है सेवा, प्रेम से सेवा करने की, हर धातु का सेवा है और ती प्रत्यय का अर्थ प्रेम। अब प्रेम से सेवा करने में जिसकी सेवा करती है उसके बारे में जितनी जितनी तुम्हारी जानकारी बढ़ेगी उतनी उतनी सेवा कर सकते, नहीं तो वो खाना चाहेगा लाल से और तुम उसके सामने ले जाकर रख दोगे कोई रुकी सीखी थी तो सेवा तो नहीं होगी। उसके मन को समझना, उसके जीवन को समझना, उसकी रहने को समझना, उसको कब कहाँ क्या प्यारा लगता है ये समझना, इससे सेवा होती है। या फिर जितनी जितनी अपने प्यारे के बारे में जानकारी बढ़ेगी उतनी उतनी उनकी सेवा होगी, और जितनी जितनी सेवा करोगे उतने उतना प्रियतम जिसकी तुम सेवा करना चाहते हो वो अपने को खुला करता जाएगा, तुमसे कपट नहीं करेगा, छुपावेगा नहीं, अपने मन की सच्ची बात बता देगा या तुम देख लोगे। तो सेवा करने के लिए पहले तो अपने प्रियतम के बारे में जानकारी चाहिए, जो अपने प्रियतम को पसंद न हो उसको छोड़ो और जो उसको पसंद हो उसको पकड़ो, जो देखते और गुण करो उसको कैसे मानो, जो तुम्हें पसंद नहीं है वही तो मैं फिर करता रहता हूँ। तो उन्होंने कहा कि शराब पान छोड़ दो, हम पाओ तो बहुत बढ़िया लगाते हैं, क्या बढ़िया कला भी सीखा है दूसरे से जाके, पाओ बहुत बढ़िया लगाया, तेल बहुत बढ़िया लगाया, हाथ जोड़ के स्तुति बहुत बढ़िया की, लेकिन शराब पी के आए मांस खा के आए। तो ठीक है तुम्हारी सेवा के कारण शायद वो तुम्हारा लिहाज करे, तुमको कुछ न कहे, लेकिन ये जो लिहाज की सेवा करवाई जाती है वो गलत होती है। भक्ति माने सेवा, आप अपने अपने मन की चीज, आप इसका पता तो रखते नहीं कि जिसको आप भोजन के लिए अपने घर में लाए उसको क्या चीज है, और हलवा लड्डू सब उसके सामने रख दें खाने के लिए, हमने तो बहुत बढ़िया बढ़िया चीज बनाई है, तो उसका नाम सेवा नहीं। तो भक्ति करना माने भगवान के अनुकूल आचरण करना, जिस किनारे पर भगवान उस तुम्हारे किनारे पर हम, और हमें चाहते हैं कि जिस किनारे पर हम हैं उसी किनारे पर भगवान भी आ जाए, तो वो सेवा नहीं होगी वो उलटवासी हो जाएगी। अब देखो वैराग्य की बात, आप जोड़ो आधी चीज तुम्हारे जीवन की जो तुम अपनी वासना के अनुसार करते हो
जब किसी की सेवा करने लगोगे तो उसको पैसा लगेगा, कहीं उसको नापसंद तो नहीं होगा। भक्ति करने का अभिप्राय भगवान के अनुकूल अपने जीवन को बनाना है, और दिन भर भगवान को सुझाव देते रहना। मैंने इतने बेवकूफ में भगवान की समझ में स्वयं तो कुछ आता नहीं, हे भगवान ऐसा कर दो, हे भगवान ऐसा कर दो। तो अब एक आदमी का सुझाव सुनते सुनते ही भगवान परेशान हो जाएंगे, और सब लोगों का सुझाव सुनेंगे तब तो पागल ही हो जाएंगे। तब उसमें यही करना पड़ेगा कि किसी की ना सुने, या तो सबकी सुने तो सब ठीक, या तो किसी की ना सुने तो सबका निषेध। यही बात अंत में निकले। तो जब आप भगवान की भक्ति करेंगे और आप सोचेंगे कि चोरी करना भगवान को पसंद नहीं, तो आपके जीवन में लोभ कम हो जाएगा। जब आप देखेंगे कि भगवान को क्रोध करना पसंद नहीं है, जब आपके मन में लोभ आता है तो भगवान भूल जाते हैं, जब क्रोध आता है तब भगवान भूल जाते हैं, जब मोह आता है तब भगवान भूल जाते हैं। आप अपने मालिक के ओर पीठ करके खड़े हो जाते हैं उस समय, जिस समय आपके मन में काम को लोभ आता है। तो भक्ति करेंगे आप तो आपको काम क्रोध लोभ की पूर्ति छोड़नी पड़ेगी। आप वेश्या के घर में भी जाके आवे और नारायण एक सत्पुरुष के पास भी जाके बैठे तो तुम्हारी बदनामी होगी तो होगी ही, उस सत्पुरुष की भी बदनामी होगी। इसलिए जो भगवान की भक्ति करेगा उसके हृदय में वैराग्य जरूर आवेगा। भक्ति, भक्ति के बेटे का नाम है वैराग्य। बेटा माने फल। भक्ति अंतकरण में आती है, भगवदाकार वृत्ति होती है, प्रेम पूर्वक भगवदाकार वृत्ति होती है, वो हृदय में आती है। और वो जब हृदय में आती है तो किसी दूसरे से राजद द्वेष नहीं हो सकता। राजद द्वेष भी करते जाओ, एक पंथ दूसरे पंथ के लिए लड़े और कहे कि हम भक्त हैं, एक भगत दूसरे से मारपीट करे और कहे कि हम भक्त हैं, एक भक्त दूसरे की चोरी करे तो बोले हम भगत हैं, एक भगत किसी की जवानी बिगाड़े, किसी का जौवन बिगाड़े, किसी का यश बिगाड़े, किसी को गलत रास्ते पर ले चलने की कोशिश करे और कहे कि हम इसके प्रेमी हैं, भक्त हैं, तो वो बिल्कुल गलत होता है। इसलिए भगवान से प्रेम होने पर सांगिल्य ऋषि का कहना है कि ये राजद द्वेष का प्रतिपक्षी है। माने जिसके हृदय में भगवान की भक्ति रहेगी उसके हृदय में राजद द्वेष नहीं रह सकते। एक अधिकरण में एक साथ किसी दूसरे से राजद द्वेष और भगवान की भक्ति, ये दोनों नहीं रह सकते। सामानाधिकरण इनका है ही नहीं। एक अंतकरण में एक समय भगवान की भक्ति भी रहे और दूसरों से राजद द्वेष भी रहे, ये नहीं हो सकता। तो भक्ति ने वैराग्य दे दिया। तो दो बात तो आपके ध्यान में आई गई कि आप जितनी जितनी जानकारी भगवान के बारे में प्राप्त करें
उतना उतना भगवान की भक्ति बढ़ेगी और दूसरे उन दूसरों के साथ जो राजस्व द्वेष है वो कम होगा। तो जीवन का शुद्ध पवित्र निर्माण भक्ति के द्वारा होता है, इसलिए भक्ति करते चलिए और जीवन को पवित्र बनाते चलिए और जीवन को पवित्र बनाते चलिए और भक्ति करते चलिए। वेदांतियों में और भक्तों में ये फर्क है इसके बारे में कि भक्त तो जिस अवस्था में जहां है वहीं से वो भगवान की भक्ति शुरू कर सकता है, लेकिन वेदांति को बहुत सज के समर के श्रृंगार करके सब समाधि सदगुरु धारण करके तब सदगुरु के पास जाना पड़ता है। तो ज्ञान और वैराग्य ये दोनों भक्ति के फल भी हैं और ज्ञान वैराग्य होने से भक्ति होती भी है। हमारे भक्तों में कई तरह के लोग हैं, आप लोग तो पंसारी की दुकान में नहीं तो सभी तरह का माल यहाँ मिलता है। एक सिंधी आया था पाकिस्तान से शुरू शुरू में सनातनिस में, उसने कहा कि दुनिया के चाहे जिस किसी देश में चाहे जिस किसी चीज की आज्ञा हमें दे दो आपका दे दो और वो हम आपके सामने ना दे सकते। एक ने कहा कि हमको घोड़ा गाड़ी चाहिए, उसने कहा ठीक है। वो जिसके पास घोड़ा गाड़ी था उसके पास गया, देखो जी तुम अपनी घोड़ा गाड़ी बेच हम क्यों बेचे, केवल दो दिन के लिए हमको बेचे, दो दिन के लिए घोड़ा गाड़ी ले आया और उससे बोला कि लो ले जाओ। अब वो आश्चर्य चकित हो गया, वो तो लेने वाला नहीं था, वो तो उसको माफ देने के लिए घोड़ा गाड़ी उसने मांगी थी, साहब हम वापिस नहीं करेंगे, इसके बदले में हमको 100-200 रुपया दो सौदा छोड़ेंगे अपना और उसमें फायदा उठा लिया। सिंधी है वो है अब नहीं, तुमने देखा था ठीक है। तो है आपके मन में यदि सचमुच भक्ति की इच्छा है तो भक्तों की बात देखो तरह तरह की आपको सुना। वृंदावन में कुछ ऐसे रसिक भगत होते हैं जो छोटी रबाल रखते हैं खूब बढ़िया और नकबेसर पहनते हैं और काजल लगाते हैं और लिपस्टिक लगाते हैं और साड़ी पहनते हैं, मैं भी रहते हैं बताओ, और नाचते गाते बजाते शहर में घूमते हैं, तो हम तो मधुर भाव से भगवान की भक्ति करते हैं, बढ़िया खाते हैं, बढ़िया पहनते हैं, बढ़िया रहते हैं। बोले जी जब हम भगवान से प्रेम करते हैं तो इसमें वैराग्य की क्या जरूरत है, वैराग्य तो आभूषण है, पहन लिया कभी खोल दिया कभी खोल दिया। ये जो एक तरह से भक्तों की बात ये सुना दी, एक ने बताया कि ज्ञान और वैराग्य भक्ति के साधन है, भगवान के बारे में ज्ञान होगा तो दूसरों से वैराग्य अपने आप में चलेगा। वो ब्रिटिश में एक राजकुमार था, उसका किसी औरत से प्रेम हो गया था, उसने ब्रिटिश सिंहासन का परित्याग करके सम्राट के साथ विवाह किया
त्याग हो गया भगवान से आप प्रेम करो और त्याग न करो तो प्रेम से त्याग हो जाता है, त्याग से प्रेम होता है। दूसरे लोग कहते हैं कि ये जो भक्ति है ये मूलतः भगवत स्वरूप ही है। भगवत आकार भक्ति का नाम भक्ति है जब हमारे हृदय में भगवान प्रेम से हंसते हुए उस तरह से प्रेम भरी चितवन से देखते हुए मीठी वाणी से बोलते हुए आप जब भगवान हमारे हृदय में दिखते रहे समझ जाओ वही भक्ति है। जो स्वामी तुलसीदास जी महाराज ने भक्ति का तो बहुत वर्णन किया है। उनके यहाँ एक तो भक्ति होती है बोध को और एक होती है धारा गंगा। जब हम राम 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 लगातार बोलते हैं तो बूंद बूंद जो भक्ति है राम राम की धारा बाहिक याद के समान अयम घटा अयम घटा अयम घटा। तो भाई प्रत्येक में नया प्रमाण से नया घट देखते हो कि एक बार का देखा हुआ ही देखते देखेंगे तो प्रमाण नहीं होगा अनुवाद होगा। और भवतिकार मानते हैं वाचस्पति मिश्र की अविद्या अनेक है इसलिए प्रत्येक अविद्या की वृत्ति अलग अलग होती है और सतत अविद्या विशिष्ट घट का प्रत्येक क्षण में नया अनुभव होता है, प्रमाण नया यथार्थ ज्ञान होता है इसलिए वृत्ति अनेक है। विवरणकार कहते हैं कि प्रमा तो एक ही बार होती है, प्रमाण से घट का ज्ञान हो गया और वह एक ही वृत्ति चूंकि अविद्या अनेक नहीं है इसलिए विद्या वृत्ति भी अनेक नहीं है। अयन घटा अयन घटा अयन घटा चाहे जितनी बार होवे प्रमा तो वही पहली जो थी वही बनी रहती है उसी एक प्रमा के अंतर्गत सब ज्ञान होता है। धारावाहिक ज्ञान स्थल में अद्वैतानंद स्वामी का मत है जो घट का ज्ञान है तृतीय घट का ज्ञान है ये केवल अनुवाद मात्र ही है, प्रमाण से पहला ही है। ये विवरण का और वाचस्पति मिश्र का। अब जब हम गूंज 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 राम 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 तो जैसे वर्षा गूंज गूंज होती है वैसे ये राम राम की गूंज गूंज अमृत वर्षा हो रही है और वो जब आपके हृदय में इकट्ठी हुई तो उससे धारा निकली जैसे नर्मदा जी की धारा आपने कभी देखा हो अमरकंटक में वर्षा हुई और थोड़ी सी एक नाली निकलती है कुंड में पानी इकट्ठा होता है और वहां से धीरे धीरे बह के एक मील आदमी के अंदर ही बड़ा भारी हो जाता है। तो ये जो राम राम की बूंद बूंद भक्ति आती है ये इकट्ठी होकर के गंगा जी की धारा बन जाती है और गंगा जी की धारा बन के हमारे हृदय को पवित्र कर देती है माने उसमें काम क्रोध लोभ आने का अवसर ही नहीं देती है। वैराग्य अपने आप हो गया हरी सराय रहीम लगी आप उपस्थित मिल जाए। हमारे वैष्णव भक्तों में ही दूसरे प्रकार के भक्त कहते हैं कि ये भक्ति जो है ये तो आँख है भक्ति विराग नयन उर गाड़ी ये प्रकाशिनी भक्ति है ये भगवान के स्वरूप को प्रकाशित करते हैं। ये भक्ति जल्दी नहीं आती है किसी को
पावन पर्वत वेद पुराना राम कथा रुचि राकर नाना मरणी सज्जन सुमति पुरारी ज्ञान बुरार नयन उर्गारी भाव सिद्ध जो खोजे प्राणी पाव भगति मणि सब सुखानी। तो भक्ति मणि की प्राप्ति जो है वो दूसरी है और भक्ति गंगा की प्राप्ति दूसरी है और भक्ति बिंदु की प्राप्ति जो है वो दूसरी है। तो आरंभिक भक्ति है भक्ति बिंदु और मध्यम भक्ति है भक्ति गंगा और अंतिम भक्ति है प्रकाशिनी जो झूठ को झूठ और सच को सच दिखा दे उसका नाम होता है प्रकाशिनी। तो जल चेतन ग्रंथि पर गई जदपि प्रसाद छूटति कठिनाई ये जो झूठी गांठ पड़ गई है आत्मा की और अनात्मा की अनात्मा से मिलके आत्मा मानता है कि मैं मरने वाला हूँ जन्मने वाला हूँ अनात्मा से मिलके आत्मा मानता है मैं घटने वाला हूँ बढ़ने वाला हूँ और अनात्मा से मिलके आत्मा सोचता है मैं दुखी हूँ मैं सुखी हूँ मैं छोटा हूँ मैं बड़ा हूँ। यदि अनात्मा का संबंध सर्वथा छूट जाए तो कैसे छूट जाए संबंध है तो है नहीं। सच पूछो तो आप लोग अपने को चाहे जितना रागी द्वेषी मानते हो ये बिना विचार के मानते हो आज तक न किसी का किसी से राग हुआ है और न कभी कहीं किसी का किसी से राग होगा और राग होगा तो अपने आश्रय से परमात्मा से राग होगा और वहां जाके राग शांत हो जाएगा परमात्मा से अभिन्न हो जाएगा और अपनी भिन्नता की भ्रांति मिटा देगा। इसलिए बाबू आप चाहते हो कि भक्ति से ज्ञान वैराग्य होता है कि भक्ति से ज्ञान वैराग्य आप पूछे बिना एक कदम चलना शुरू कर दो। आप रोज 5 मिनट भगवान के नाम के उच्चारण का नियम कर दो 5 मिनट के लिए आप तो सबसे वैराग्य हो जाएगा। आप एक डेढ़ 2 फुट घर में जगह ऐसी रखो जहां बैठ के संसार का चिंतन मत करो भगवान का करो। ऐसी चीज खाओ जिसको पहले भगवान को अर्पित कर लो उनकी दल डाल लो। तो आप कहीं से शुरू तो करो और केवल पंसारी की दुकान में जाके सब माल का दाम पूछ लिया। एक आदमी किसी हलवाई की दुकान में गया बोले कि जलेबी क्या भाव है कैसरी की जो 3 रुपए के किलो है पेड़े का क्या भाव है रबड़ी का क्या भाव है गुलाब जामुन का क्या भाव है मिठाइयों का नाम उनको ज्यादा नहीं मालूम है सबका भाव पूछ लिया। वो अच्छा सब 10-10 किलो उठा के रख सकते 10-10 किलो निकाला अच्छा इन सबको एक में मिला दो मिला दिया तो हलवाई नहीं बोला अच्छा अब इसमें से भाव किलो तोड़ कर हमको दो। तो आप हलवाई की पंचतारी की दुकान पर जाकर भाव तो सबका पूछते हो और खरीदना आपको वही है जो घर में जाके लेना है तो वही कुछ लो तो सही। पंचतारी का तो माल बिगड़ता है सो बिगड़ता है इतनी इतना लाभ जरूर है कि उसको दोहराने का लाभ हो जाता है। भगवान का नाम लेता है।